अध्याय 34 साबा। सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसके अधिकार में है, जो आकाशों तथा धरती में है, और उसी की प्रशंसा है आखिरत पर लोक में, और वही उपाय जानने वाला सबसे सूचित है। वह जानता है जो कुछ घुसता है धरती के भीतर तथा जो निकलता है उससे, तथा जो उतरता है आकाश से और चढ़ता है उसमें, तथा वह अति दयावान क्षमी है। तथा कहा काफिरों ने कि हम पर प्रलय नहीं आएगी। आप कह दें क्यों नहीं, मेरे पालनहार की शपथ, वह तुम पर अवश्य आएगी जो परोक्ष का ज्ञानी है। नहीं छुपा रह सकता उससे कण बराबर भी आकाशों तथा धरती में, न उससे छोटी कोई चीज और न बड़ी, किंतु वह खुली पुस्तक में अंकित है, ताकि वह बदला दे उन्हें जो ईमान लाए तथा सुकर्म किए। उन्हीं के लिए क्षमा तथा सम्मानित जीविका है, तथा जिन्होंने प्रयत्न किए हमारी आयतों में विवश करने का, तो यही है जिनके लिए यातना है अति घोर दुहकदाई। तथा साक्षात देख लेंगे वे जिन्हें उसका ज्ञान दिया गया है, जो अवतरित किया गया है आपकी और आपके पालनहार की ओर से, वही सत्य है तथा सुपथ दर्शाता है, अति प्रभुत्वशाली प्रशंसित का सुपथ। तथा काफिरों ने कहा क्या हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को बताएं जो तुम्हें सूचना देता है कि जब तुम पुनर्तः चूर चूर हो जाओगे तो अवश्य तुम एक नई उत्पत्ति में होगे। उसने बना ली है अल्लाह पर एक मिथ्या बात, अथवा वह पागल हो गया है। बल्कि जो विश्वास ईमान नहीं रखते आखिरत पर लोक पर, वे यातना तथा दूर के कुपथ में हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा उसकी ओर जो उनके आगे तथा उनके पीछे आकाश और धरती है? यदि हम चाहें तो धंसा दें उनके सहित धरती को, अथवा गिरा दें उन पर कोई खंड आकाश से। वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी है प्रत्येक भक्त के लिए जो ध्यानमग्न हो। तथा हमने प्रदान किया दाऊद को अपना कुछ अनुग्रह, हे पर्वतो सरुचि महिमा गान करो उसके साथ, तथा हे पक्षियों, तथा हमने कोमल कर दिया उसके लिए लाहा को कि बनाओ भरपूर कवचे, तथा अनुमान रखो उसकी कड़ियों का, तथा सदाचार करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे मैं देख रहा हूं। तथा हमने वश में कर दिया सुलेमान के लिए वायु को, उसका प्रातः चलना एक महीने का तथा संध्या का चलना एक महीने का होता था, तथा हमने बहा दिए उसके लिए तांबे के स्रोत तथा कुछ जिन कार्यरत थे उसके समक्ष उसके पालनहार की अनुमति से, तथा उनमें से जो फिरेगा हमारे आदेश से तो हम चखाएंगे उसे भड़कती अग्नि की यातना। वह बनाते थे उसके लिए जो वह चाहता था भवन, मस्जिदें, चित्र, बड़े लगन जलाशयों, तालाबों के समान, तथा भारी देगें जो हिल न सकें। हे दाऊद के परिजनों, कर्म करो कृतज्ञ होकर, और मेरे भक्तों में थोड़े ही कृतज्ञ होते हैं। फिर जब हमने उस सुलेमान पर मौत का निर्णय कर दिया, तो जिन्नों को उनके मरण पर एक घुन के सिवा किसी ने सूचित नहीं किया जो उसकी छड़ी खा रहा था। फिर जब वह गिर गया तो जिन्नों पर ये बात खुली कि यदि वे परोक्ष का ज्ञान रखते तो इस अपमानकारी यातना में नहीं पड़े रहते। सबा की जाति के लिए उनकी बस्तियों में एक निशानी थी, बाग थे दाएं और बाएं। खाओ अपने पालनहार का दिया हुआ और उसके कृतज्ञ रहो। स्वच्छ नगर है तथा अति क्षमी पालनहार। परंतु उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमने भेज दी उन पर बांध तोड़ बाड़ तथा बदल दिया हमने उनके दो बागों को, दो कड़वे फलों के बागों और झाऊ तथा कुछ बैरी से। ये कुफल दिया हमने उनके कृतघ्न होने के कारण, तथा हम कृतघ्न ही को कुफल दिया करते हैं। और हमने बना दी थी उनके बीच तथा उनकी बस्तियों के बीच जिनमें हमने संपन्नता प्रदान की थी खुली बस्तियां, तथा नियत कर दिया था उनमें चलने का स्थान कि चलो उसमें रात्रि तथा दिनों के समय शांत होकर। तो उन्होंने कहा है हमारे पालनहार दूरी कर दे हमारी यात्राओं के बीच, तथा उन्होंने अत्याचार किया अपने ऊपर। अतः हमने उन्हें कहानियां बना दिया और तितर बितर कर दिया। वास्तव में इसमें कई निशानियां शिक्षाएं हैं प्रत्येक अति धैर्यवान कृतज्ञ के लिए। तथा सच कर दिया इब्लीस ने उन पर अपना आंकलन, तो उन्होंने अनुसरण किया उसका एक समुदाय को छोड़कर ईमान वालों के,
और न ही था उसका उन पर कुछ अधिकार दबाव, किंतु ताकि हम जान लें कि कौन ईमान रखता है आखिरत पर लोक पर, उनमें से जो उसके विषय में किसी संदेह में है तथा आपका पालनहार प्रत्येक चीज का निरीक्षक है। आप कह दें, उन्हें पुकारो जिन्हें तुम पूज्यक समझते हो अल्लाह के सिवा। वह नहीं अधिकार रखते कण बराबर भी, न आकाशों में न धरती में, तथा नहीं है उनका उन दोनों में कोई भाग, और नहीं है उस अल्लाह का उनमें से कोई सहायक, तथा नहीं लाभ देगी अभिस्तावना सिफारिश अल्लाह के पास, परंतु जिसके लिए अनुमति देगा। यहां तक कि जब दूर कर दिया जाता है उद्वेग उनके दिलों से, तो वे फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे पालनहार ने क्या कहा। वे कहते हैं कि सत्य कहा, तथा वह अति उच्च महान है। आप मुशरिकों से प्रश्न करें कि कौन जीविका प्रदान करता है तुम्हें आकाशों तथा धरती से। आप कह दें कि अल्लाह, तथा हम अथवा तुम अवश्य सुपथ पर हैं अथवा खुले कुपथ में हैं। आप कह दें, तुमसे नहीं प्रश्न किया जाएगा हमारे अपराधों के विषय में, और न हमसे प्रश्न किया जाएगा तुम्हारे कर्मों के संबंध में। आप कह दें कि एकत्र कर देगा हमें हमारा पालनहार, फिर निर्णय कर देगा हमारे बीच सत्य के साथ, तथा वही अति निर्णयकारी सर्वज्ञ है। आप कह दें कि तनिक मुझे उन्हें दिखा दो जिन्हें तुमने मिला दिया है अल्लाह के साथ साझी बनाकर। ऐसा कदापि नहीं, बल्कि वही अल्लाह है अत्यंत प्रभावशाली तथा गुणी। तथा नहीं भेजा है हमने आपको परंतु सब मनुष्यों के लिए शुभ सूचना देने तथा सचेत करने वाला बनाकर, किंतु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते। तथा वह कहते हैं कि ये वचन कब पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो। आप उनसे कह दें कि एक दिन वचन का निश्चित है, वे नहीं पीछे होंगे उससे क्षण भर और न आगे होंगे। तथा काफिरों ने कहा कि हम कदापि ईमान नहीं लाएंगे इस कुरान पर और न उस पर जो इससे पूर्व की पुस्तक है, और यदि आप देखेंगे इन अत्याचारियों को खड़े हुए अपने पालनहार के समक्ष, तो वे दोषारोपण कर रहे होंगे एक दूसरे पर। जो निर्बल समझे जा रहे थे वे कहेंगे उनसे जो बड़े बन रहे थे, यदि तुम न होते तो हम अवश्य ईमान लाने वालों में होते। वे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे उनसे जो निर्बल समझे जा रहे थे, क्या हमने तुम्हें रोका सुपथ से जब वह तुम्हारे पास आया, बल्कि तुम ही अपराधी थे। तथा कहेंगे जो निर्बल होंगे उनसे जो बड़े अहंकारी होंगे, बल्कि रात दिन के षड्यंत्र ने ऐसा किया जब तुम हमें आदेश दे रहे थे कि हम कुफ्र करें अल्लाह के साथ तथा बनाएं उसके साझी, तथा वे अपने मन में पछताएंगे जब यातना देखेंगे, और हम तौब डाल देंगे उनके गलों में। जो काफिर हो गए वे नहीं बदला दिए जाएंगे परंतु उसी का जो वे कर रहे थे। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई सचेत करता नबी, परंतु कहा उसके संपन्न लोगों ने हम जिस चीज के साथ तुम भेजे गए हो उसे नहीं मानते हैं। तथा कहा कि हम अधिक हैं तुमसे धन और संतान में, तथा हम यातना ग्रस्त होने वाले नहीं हैं। आप कह दें कि वास्तव में मेरा पालनहार फैला देता है जीविका को जिसके लिए चाहता है और नाप कर देता है, किंतु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते। और तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान ऐसी नहीं है कि तुम्हें हमारे कुछ समीप कर दें, परंतु जो ईमान लाए तथा सदाचार करे तो यही हैं जिनके लिए दोहरा प्रतिफल है, और यही ऊंचे भवनों में शांत रहने वाले हैं। तथा जो प्रयास करते हैं हमारी आयतों में विवश करने के लिए, तो वही यातना में ग्रस्त होंगे। आप कह दें, मेरा पालनहार ही फैलाता है जीविका को जिसके लिए चाहता है अपने भक्तों में से, और तंग करता है उसके लिए, और जो भी तुम दान करोगे तो वह उसका पूरा बदला देगा, और वही उत्तम जीविका देने वाला है। तथा जिस दिन एकत्र करेगा उन सबको, फिर कहेगा फरिश्तों से, क्या यही तुम्हारी इबादत वंदना कर रहे थे। वह कहेंगे तू पवित्र है, तू ही हमारा संरक्षक है, न कि ये, बल्कि ये इबादत करते रहे जिन्नों की, इनमें अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं। तो आज तुम में से कोई एक दूसरे को लाभ अथवा हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं रखेगा, तथा हम कह देंगे अत्याचारियों से कि तुम अग्नि की यातना चखो जिसे तुम झुठला रहे थे।
और जब सुनाई जाती हैं उनके समक्ष हमारी खुली आयतें, तो कहते हैं, ये तो एक पुरुष है जो चाहता है कि तुम्हें रोक दे उन पूजियों से जिनकी इबादत करते रहे हैं तुम्हारे पूर्वज, तथा उन्होंने कहा कि ये तो बस एक झूठी बनाई हुई बात है, तथा कहा काफिरों ने इस सत्य को कि ये तो बस एक प्रत्यक्ष खुला जादू है, जबकि हमने नहीं प्रदान की है इन मक्का वासियों को कोई पुस्तक जिसे ये पढ़ते हो, तथा न हमने भेजा है इनकी ओर आपसे पहले कोई सचेत करने वाला, तथा झुठलाया था इनसे पूर्व के लोगों ने और नहीं पहुंचे ये उसके दसवें भाग को भी जो हमने प्रदान किया था उन्हें, तो उन्होंने झुठला दिया मेरे रसूलों को, अंततः मेरा इनकार कैसा रहा। आप कह दें कि मैं बस तुम्हें एक बात की नसीहत कर रहा हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो तथा अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर सोचो तुम्हारे साथी को कोई पागलपन नहीं है, वह तो बस सचेत करने वाले हैं तुम्हें आगामी कड़ी यातना से। आप कह दें मैंने तुमसे कोई बदला मांगा है तो वह तुम्हारे ही लिए है, मेरा बदला तो बस अल्लाह पर है और वह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है। आप कह दें कि मेरा पालनहार वही करता है सत्य की, वह परोशों का अति ज्ञानी है। आप कह दें कि सत्य आ गया और असत्य न कुछ का आरंभ कर सकता है और न उसे पुनः ला सकता है। आप कह दें कि यदि मैं कुपथ हो गया तो मेरे कुपथ होने का भार मुझ पर है, और यदि मैं सुपथ पर हूं तो उस वही के कारण जिसे मेरी और मेरा पालनहार उतार रहा है, वह सब कुछ सुनने वाला समीप है। तथा यदि आप देखेंगे जब वे घबराए हुए होंगे तो उनके खो जाने का कोई उपाय न होगा, तथा पकड़ लिए जाएंगे समीप स्थान से और कहेंगे हम उस पर ईमान लाए, तथा कहां हाथ आ सकता है उनके ईमान इतने दूर स्थान से, जबकि उन्होंने कुफ्र कर दिया पहले उसके साथ और तीर मारते रहे बिन देखे दूर से, और रोक बना दी जाएगी उनके तथा उसके बीच जिसकी वे कामना करेंगे जैसे किया गया इनके जैसों के साथ इससे पहले, वास्तव में वे संदेह में पड़े थे।